प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। जीत मिली हो या टीम हार गई हो, दोनों ही परिस्थिति में धोनी शांत बने रहते हैं। यही वजह है कि उन्हें कैप्टन कूल का तमगा मिला। लेकिन कई मौकों पर मैच के दौरान धोनी को बहुत तेज गुस्सा आया। उनके गुस्से का शिकार हुए साथी खिलाड़ियों ने इस बात का जिक्र किया। इस वीडियो में धोनी के गुस्से वाली कुछ दिलचस्प कहानियां आपको बताएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन, मौका था चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच का। धोनी ने टॉम करन का कैच लपका, अंपायर ने आउट दिया। राजस्थान के पास रिव्यू नहीं बचा था, बावजूद इसके अंपायरों ने इसे चेक किया। पता चला कि गेंद धोनी के ग्लव्स तक आने से पहले ही टप्पा खा चुकी थी। टॉम करन नॉट आउट करार दिए गए। धोनी नाराज हो गए और उन्हें अंपायरों से बहस करते देखा गया। धोनी कहना चाह रहे थे कि जब राजस्थान के पास DRS बचा ही नहीं था, तो फिर किस आधार पर फैसले को रिव्यू किया गया। साल 2011 में ब्रिस्बेन स्टेडियम में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच खेला जा रहा था। सुरेश रैना की एक गेंद पर धोनी ने माइक हसी को स्टंप किया। अंपायर ने भी हसी को आउट करार दिया। इसके बाद अंपायरों ने मैदान से बाहर जाते हसी को रोक लिया। दोबारा चेक किया गया, हसी रिप्ले के बाद नॉट आउट करार दिए गए। लेकिन इस पूरे वाक्ये और हसी को रोके जाने से झल्लाए धोनी फील्ड अंपायर से भिड़ गए। सीनियर अंपायर बिली बॉर्डन के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। तीसरा वाकया है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2014 में खेले गए टेस्ट मैच का। भारत ने इस मैच में 620 रन बनाकर पारी घोषित की। ब्रेंडन मैकुलम ने 302 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज उनका विकेट नहीं निकाल सके। इस बात से झल्लाए समी ने बाउंसर फेंकी। गेंद धोनी के सर के ऊपर से बाउंड्री के पार चली गई। मैच के बाद धोनी ने शमी से कहा कि उन्हें वो गेंद नहीं फेंकनी चाहिए थी। शमी ने कहा कि उनके हाथ से गेंद गलती से छूट गई थी। इस पर धोनी ने शमी से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और इस टीम का कप्तान भी। कई आए और चले गए, किसी और को बेवकूफ बनाना। एक और वाकया 2014 की IPL सीजन का है। कोलकाता के खिलाफ एक मैच के दौरान धोनी गेंदबाज मोहित शर्मा और ईश्वर पांडे पर गुस्सा हो गए थे। दरअसल धोनी ने ईश्वर पांडे से गेंदबाज करने के लिए कहा था, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से मोहित शर्मा गेंदबाजी के लिए आ गए। धोनी इस बात से काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने दोनों को डांट लगाते हुए कह दिया कि तुम दोनों गंवार ही रहोगे। क्रिकेटर मनोज तिवारी के साथ एक चैट शो में मोहित शर्मा ने इस बात का खुलासा किया। धोनी के गुस्से का शिकार होने वालों में कुलदीप यादव भी शामिल हैं। वाकया 22 दिसंबर 2017 का है। इंदौर में भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैच खेला जा रहा था। मैच में जब थिसारा परेरा बैटिंग कर रहे थे, धोनी ने कुलदीप से पॉइंट पर फील्डर रखने को कहा। कुलदीप ने सुना नहीं। अगली ही गेंद पर थिसारा परेरा ने चौका जड़ दिया। इसके बाद धोनी कुलदीप के पास गए और कहा, मैं पागल हूँ जो तुम्हें समझा रहा हूँ। ऐसे ही 300 वनडे नहीं खेला है मैंने। कमेंटेटर जतिन सप्रू के साथ चैट शो में कुलदीप यादव ने इस बात का जिक्र किया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 में धोनी को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में गुस्सा आ गया था। तब बेन स्टोक्स आखिरी ओवर डाल रहे थे। पहले अंपायर ने उनकी एक गेंद को नो बॉल करार दिया, लेकिन बाद में फैसला बदल लिया। धोनी को इस बात से गुस्सा आ गया। ड्रेसिंग रूम में बैठे धोनी ग्राउंड में आ गए। उनकी अंपायरों से जमकर बहस हो गई थी। बाद में धोनी पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया था। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।